हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अभिनंदन सर। और आज क्लास 8 चैप्टर 5 डेटा हैंडलिंग का सेकंड लेक्चर। और आज हम लोग पढ़ेंगे एक नए टॉपिक्स के बारे में, जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। लिखा भी यहाँ पे है ऑर्गेनाइजिंग डेटा। इसके पहले फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बार ग्राफ के बारे में, वो प्रीवियस क्लास से ही था रिलेटेड, जो आप पहले पढ़ चुके थे। मैं फिर से रिकॉल कर देता हूँ कुछ। उसमें पढ़ा था हम लोगों ने पिक्टोग्राफ के बारे में, बार ग्राफ के बारे में और डबल बार ग्राफ के बारे में। आज पढ़ेंगे हम लोग ऑर्गेनाइजिंग डेटा के बारे में। ऑर्गेनाइजिंग डेटा होता क्या है? डेटा तो हम लोग पढ़ चुके हैं पहले। डेटा एक इंफॉर्मेशन होता है, और जो इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करते हैं सबसे पहले वेरियस वे से, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है, मतलब ऑर्गेनाइज्ड नहीं होता है। तो वैसे डेटा को रॉ डेटा कहा जाता है, ठीक है। यूजुअली डेटा अवेलेबल टू अस इज इन एन ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड रॉ डेटा। वैसे डेटा को रॉ डेटा बोलते हैं, और रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत होती है। अगर ऑर्गेनाइज्ड नहीं करेंगे तो वी कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट स्टेटस ऑफ दैट डेटा। ओके, अगर ऑर्गेनाइज नहीं करेंगे तो हम लोग एग्जैक्ट स्टेटस पता नहीं कर पाएंगे कि क्या डेटा था और डेटा किस बारे में था, ठीक है। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे एग्जांपल में है, फॉर एग्जांपल, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। बहुत सारे एक स्टूडेंट का ग्रुप था, उनसे उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। तो फिर रिज़ल्ट आया तो बहुत सारे बच्चे थे उसमें, तो बहुत सारे बच्चों का आंसर भी डिफरेंट डिफरेंट आया। किसी किसी बच्चों को आर्ट्स पसंद था, किसी को फेवरेट सब्जेक्ट मैथमेटिक्स था, साइंस था, इंग्लिश मैथमेटिक्स, आर्ट्स इंग्लिश मैथमेटिक्स, इंग्लिश आर्ट्स साइंस, बहुत सारे नंबर्स में उनका फेवरेट सब्जेक्ट था। तो कई देख रहे हैं ना, तो कई सारे सब्जेक्ट रिपीट हो रहा है। तो अगर इसमें पूछा जाए आपसे विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट एंड वन लिस्ट लाइक्ड, यू कैन नॉट एबल टू फाइंड दैट एग्जैक्ट आंसर, क्योंकि ये अभी अनऑर्गेनाइज्ड है, इसीलिए इसका आंसर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। समझ रहे होंगे, इसका आंसर देना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, इसीलिए इसको ऐसे डेटा को, ये एक्चुअली ये अनऑर्गेनाइज्ड है, इसे ऑर्गेनाइज्ड करने की ज़रूरत है। तो इसे क्या करेंगे ना, एक टेबल में ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे, डेटा को ऑर्गेनाइज्ड कर लेंगे। कैसे करना है, तो एक साइड सब्जेक्ट लिख देंगे और नंबर ऑफ लाइक्ड उसको लिख देंगे, ठीक है। देखते हैं कैसे लिखना है। एक सब्जेक्ट लिखा, यहाँ पे क्या लिखे, एक साइड सब्जेक्ट लिखा गया है, ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लाइक दैट सब्जेक्ट, उस सब्जेक्ट को कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने उसको लाइक किया है वो लिखा गया है। इसको मैं समझाता हूँ टैली मार्क्स को, पहले इसको समझ लेते हैं। आर्ट्स, आर्ट्स है, आर्ट्स को कितने स्टूडेंट ने लाइक किया है, 7 स्टूडेंट, मतलब 7 स्टूडेंट का फेवरेट सब्जेक्ट है आर्ट्स। मैथमेटिक्स है 5 स्टूडेंट का, और साइंस है 6 स्टूडेंट का, इंग्लिश 4 स्टूडेंट का। ये टैली मार्क्स कैसे दिया जाता है ना, टैली मार्क्स जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उसी को लिखा जाता है एक सिम्बॉल के फॉर्म में, जिसको टैली मार्क्स कहते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे कैसे, 7 है तो 7 लिखने के लिए इसको पहले मैं मिटाता हूँ। 7 लिखने, कैसे 7 लिखा जाता है, सबसे पहले 7 लिखने के लिए क्या करेंगे ना,
फोर लाइन खींचेंगे वाई, तो ये कहाँ चला गया, यस ठीक है। आप फोर लाइन ड्रॉ करेंगे, वन सॉरी 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 ये ठीक, वन आ नहीं रहा ये, ठीक जाए, कहाँ चला गया ब्रश। तो फोर लाइन ड्रॉ करना है, फोर लाइन ड्रॉ करने के बाद एक लाइन से क्रॉस करना है, एक लाइन से क्या करना है, क्रॉस करना है, कैसे, वन टू थ्री फोर, फोर कर दिए और इस तरह इसको क्रॉस कर देंगे तो ये फाइव काउंट हो जाएगा, ये फाइव हो गया, उससे सेवन करना है तो दो लाइन और दे देंगे सेवन, समझ में आ गया होगा। फिर से मैं करके बताता हूँ कैसे करना है, जिसे सेवन ड्रॉ करना है, सेवन ड्रॉ करने के टैली मार्क्स क्या करेंगे, पहले फोर, वन टू थ्री फोर, ये क्रॉस कर दिया फाइव और टू सेवन, ठीक है, फाइव करना हो तो उसी तरह वन टू थ्री फोर फाइव, ये तरीका है, सिक्स करना है तो फाइव हो गया एक सिक्स, इस तरह फोर करना है तो फोर, वन टू थ्री फोर, इस तरह से किया जा सकता है, किया जाता है, ये समझ में आ गया। ये अब क्या किया, इसको ऑर्गेनाइज कर दिया गया। अब ऑर्गेनाइज करने के बाद आपसे पूछा गया था क्वेश्चन जो था, ओह सॉरी कहाँ चला गया, क्वेश्चन क्या पूछा गया था, क्वेश्चन था विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट, विच इज़ द मोस्ट लाइक्ड सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा लाइक किया गया है, नहीं तो कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा लाइक किया गया है, इससे पता चल जाएगा इस क्योंकि अब ये ऑर्गेनाइज किया गया, तो सबसे ज़्यादा कौन सा नंबर ऑफ स्टूडेंट, सेवन है, नंबर ऑफ स्टूडेंट किसका है, सेवन, दैट्स वाई आर्ट्स सब्जेक्ट इज़ द मोस्ट लाइक सब्जेक्ट, लिस्ट सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, इंग्लिश, इजी था ना, ये देख लिया क्या, रॉ डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे तो उसका स्टेटस इजी हो जाता है फाइंड करना, ये स्टेटस फाइंड हो गया, आर्ट्स इतने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, मैथमेटिक्स इतने स्टूडेंट लाइक कर रहे हैं, ये तरीका है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं कि ये तो नंबर ऑफ देखा जाए बहुत कम था, ये बहुत छोटा एक एग्जांपल था, अगर इससे भी ज़्यादा डेटा हो, इससे भी ज़्यादा डेटा हो तो उसको आप कैसे ऑर्गेनाइज करेंगे, इस तरीका को सीखना है, समझ रहे हैं ना, इसको ऑर्गेनाइज कैसे करना है, क्योंकि उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए एक ग्रुप डेटा का यूज़ करेंगे हम लोग, जिसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी टेबल, ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यहाँ लिखा भी है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, इसका यूज़ करेंगे, तो इसको समझते हैं आगे। तो ये आ गया टॉपिक्स क्या, ग्रुपिंग डेटा, यहाँ देख रहे हैं कि बहुत सारे नंबर यहाँ पर लिया गया है ना, बहुत सारे नंबर लिया गया, मैथमेटिक्स का, मैथमेटिक्स में 60 स्टूडेंट्स हैं, उसने कितने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं इसके बारे में है, और कितने स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेंड किए हैं मैथमेटिक्स में, 60 स्टूडेंट का, फर्स्ट का 21, इससे लिखा 21 10, इसको देख लेना है, 21 10 30 22 33 5 37 12, इस तरह करके बहुत सारे डेटा हैं, इसमें पूछा जाए आपसे हाईएस्ट मार्क्स नहीं तो फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, कितने स्टूडेंट एवरेज मार्क्स लाए हैं, तो ये भी इसका आंसर देना भी डिफ़िकल्ट है ना, तो इजी नहीं होगा, ऐसे डेटा को क्या करेंगे हम लोग, ग्रुप कर लेंगे, ग्रुप करेंगे तो इजी हो जाएगा, तो चैप्टर का नाम भी था क्या, टॉपिक्स का नाम भी था ग्रुपिंग डेटा, तो डेटा को ग्रुप करने की ज़रूरत है, तो ग्रुप कैसे करेंगे, इसको इस तरह से ग्रुप कर लेंगे, एक रेंज ले लेंगे हम लोग, रेंज कैसे, क्यों 0 to 10 मिनिमम देख लेंगे कि मिनिमम कितने मार्क्स हैं,
यहाँ देखो मिनिमम 10 मार्क्स यहाँ दिख रहा है, एक दिखा 10, नहीं एक 10 दिखा, उसके बाद देखिए और क्या है, 3 भी है क्या, 31, 20, हाँ ठीक है, 10, 10, 7, एक 7 भी दिखा, मिनिमम मार्क्स 7 भी है। तो मिनिमम मार्क्स देख लेना, एक मैक्सिमम देखना हाईएस्ट कितना गया है, हाईएस्ट मार्क्स 29, 30, 49, वो क्या 49 है यहाँ पे, उसके बाद 50 में लगता है ना, हाँ आउट ऑफ 50 में 49 हाईएस्ट है। तो इस तरह से एक रेंज हम लोग अपने से डिसाइड कर लेंगे, रेंज बना लेंगे, लाइक 0 to 10, 0 to 10 मतलब मिनिमम मार्क्स 0 और मैक्सिमम मार्क्स 10। तो 0 से 10 के बीच में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, कितने स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किया है, फिर 10 से 20 के रेंज में कितने स्टूडेंट ने मार्क्स लाया है, इस तरह से ग्रुप कर लेंगे। ठीक है, तो ग्रुप कर लिया गया, यहाँ पे देखिए ग्रुप कर लिया गया, नहीं 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, ठीक है, 50 to 60 भी है क्या, 50 to 60 भी मार्क्स है क्या, एक है यहाँ पे, मतलब 50 होगा, समझ गए। 0 to 10 कितने थे, मतलब एक तो 7 था, इसमें हम लोग देख लेंगे 0 to 10 में एक 7 आता है, और 7 और उससे भी 10 के नीचे और कोई भी होगा मार्क्स, देख लेंगे कितने स्टूडेंट ने लाया है। तो यहाँ पे देखना है उसी रॉ डेटा को देख करके हम लोग काउंट कर लेंगे, और काउंट करने के बाद यहाँ पे लिख देंगे 0 to 10 में कितना था, ये टैली मार्क्स हो गया, इसका फ्रीक्वेंसी, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गया, नंबर ऑफ स्टूडेंट ने मतलब 10 के नीचे 2 स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन किया है। इसी तरह 10 to 20 के बीच में कितने मार्क्स ऑब्टेन किया है स्टूडेंट ने, 10 स्टूडेंट ने 10 to 20 मार्क्स लाया है, और 20 to 30 मार्क्स जो है 20 to 30 मार्क्स 21 स्टूडेंट ने लाया है, और 30 to 40 मार्क्स 19 स्टूडेंट ने, और 40 to 50 कितने 7 स्टूडेंट ने, और 50 मार्क्स 1 स्टूडेंट ने लाया है। इसमें समझाता हूँ ये इसको क्या बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये इसको बोला जाता है क्लास इंटरवल, क्या बोलेंगे इसे, क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, इसमें सही से नहीं लिखा रहा, इसे क्लास इंटरवल कहेंगे ग्रुप्स को, और ये फ्रीक्वेंसी तो आपको पता ही है, ये फ्रीक्वेंसी लिखा हो गया है, और ये टैली मार्क्स, ये क्लास इंटरवल जो है, इस क्लास इंटरवल, ये जो क्लास इंटरवल था, नहीं इस पहले वाले को इसको बोलेंगे लोअर लिमिट, क्या बोलेंगे, लोअर लिमिट, और इसको बोलेंगे अपर लिमिट, UL, 0 हो गया लोअर लिमिट और 10 हो गया अपर लिमिट, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से लोअर लिमिट, इस अगर इस क्लास का देखा जाए, लोअर लिमिट क्या हो जाएगा 40, अपर लिमिट 50, इस क्लास का चेक किया है तो लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30, ईजी है, इस तरह से हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, और ये ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, क्लास इंटरवल भी बता ही दिया मैंने, और इसका एक इमेज क्या बोलते हैं, इसकी स्क्रीनशॉट लेकर के आपके पास सेंड कर दिया जाएगा, आप उसको एडिट कर देंगे, और जो भी डेफिनेशन होगा इसे नोट कर देंगे। लोअर लिमिट भी समझा दिया, अपर लिमिट भी समझा दिया, आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चन आपको खुद से करना है, इसको देख करके आप कर लेंगे, बहुत ईजी है, फिर से मैं बताता हूँ इसका क्वेश्चन। क्वेश्चन फर्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ द साइज़ ऑफ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल का साइज़ क्या है, साइज़ कैसे फाइंड करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइज़ फाइंड करने के लिए क्लास साइज़, नहीं यहाँ लिख देता हूँ, क्लास साइज़ इज इक्वल टू UL माइनस लोअर लिमिट LL, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, याद रखना है, क्लास साइज फाइंड हो जाएगा इससे।
तो जैसे क्लास साइंस कोई भी एक क्लास ले लेंगे ना, तो जैसे 200 इसी का ले लो ना, तो 200 सॉरी 200 माइनस इसका दे चेक करते हैं, 200 माइनस 175 तो क्लास साइज़ कितना हो जाएगा, 25, ये क्लास साइज हो गया। तो क्वेश्चन भी था व्हाट इज़ द साइज ऑफ द क्लास इंटरवल, तो 25। विच क्लास हैज़ द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस क्लास का फ्रीक्वेंसी हाईएस्ट है, देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी किसका हाईएस्ट है। ये फ्रीक्वेंसी 140 दिख रहा होगा यहाँ पे, 140 किस क्लास का है ये, इसका क्लास कौन सा है, 200 to 225। इजी, इसका भी आंसर हो गया। फिर विच क्लास हैज़ द लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, तो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी आप देख लेंगे, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी ओ सॉरी पाई चार्ट आ गया इधर, तो हाँ लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी किसका है, लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी सबसे लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी 20 है, और ये किसका है, 300 to 325। इजी था ना। व्हाट इज़ द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल, 250 to 275, 250 to 275 इसका क्या फाइंड करना है, कहाँ चला गया, हाँ ये रहा ना, इसका क्या फाइंड करना है, अपर लिमिट, अपर लिमिट तो बताया, ये लोअर लिमिट हो गया और ये अपर लिमिट, इसका अपर लिमिट क्या हो जाएगा, 275। ठीक है, विच टू क्लासेस हैव द सेम फ्रीक्वेंसी, किस दो क्लास का सेम फ्रीक्वेंसी है, तो सेम फ्रीक्वेंसी दिख रहा होगा, देखिए फिर से तो वही प्रॉब्लम, किस दो क्लास का सेम फ्रीक्वेंसी था, हम लोग अभी चेक कर लेंगे। ये देखिए 55 ये दिख रहा है और ये भी 55 है, किन दो क्लास का है, क्लास ये और ये, तो आप लिख देंगे 150 to 175 एंड 225 to 250। इजी था। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, और इस तरह से आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं, इजी है, आप लोग होमवर्क में ज़रूर इसे सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आता है बार्स विथ अ डिफरेंस, बार्स विथ अ डिफरेंस, देखो यहाँ पे क्लास इंटरवल दिया हुआ है, बार्स विथ अ डिफरेंस क्या करेंगे ना, जो ग्रुप्ड डेटा है क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी जो गिवन रहता है, उसको आप ग्राफिकली कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे दिखाएंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए बार्स विथ अ डिफरेंस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, जैसे ये क्वेश्चन ये गिवेन है यहाँ पे, 5. टेबल 5.4, टेबल 5.4 है ना, इसमें क्लास इंटरवल गिवेन है, ये देखिए क्लास इंटरवल हो गया और ये फ्रीक्वेंसी, तो आप इसको ग्राफ पे कैसे दिखाएंगे। ग्राफ पे दिखाने के लिए ग्राफ पे पता ही है, एक ओरिजेंटल एक्सिस होता है एक और एक वर्टिकल एक्सिस होता है, तो ओरिजेंटल एक्सिस कौन सा है, ये ओरिजेंटल एक्सिस हो गया जिसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, और ये हो गया वर्टिकल एक्सिस, और जिसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस, नहीं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, पिछले क्लास में हम लोग पिछले लाइव क्लास में मैंने बताया भी था, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, वाई एक्सिस को नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट कर लिया जाता है, वर्टिकल जो रहेगा ना वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस जो रहेगा इसको फ्रीक्वेंसी लेट कर लेंगे, ठीक है, और फिर एक्स एक्सिस को क्लास इंटरवल, एक्स एक्सिस को क्लास इंटरवल, एक्स एक्सिस हो ये हो जाएगा एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, और उसके बाद आप टेबल जानते हैं कैसे ग्राफ, ये तो बार ग्राफ हो जाएगा, बार ग्राफ का कैसे करना है आप इसको इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंस नहीं दिखाना है, डिफरेंस क्यों नहीं दिखाना है ना, बार ग्राफ में एक था कि आप दोनों के बीच में गैप दिखाते थे, लेकिन जैसे दो बार रहता था, जैसे ये बार हो गया एक दूसरा ये बार हुआ, दोनों के बीच में गैप दिखाते थे, यहाँ पे कोई गैप नहीं दिखाना है। क्यों नहीं दिखाना है गैप, क्योंकि आपको पता ही इंटरवल, देखिए
इंटरवल देखना है, क्या है इंटरवल, 0 to 10 है ना, इंटरवल क्या था, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इसका मतलब 0 इसमें है 10 इसमें नहीं है, मतलब 10 तक है, 0 to 10 मतलब 9 तक है, 10 इसमें नहीं है, 10 आ जाएगा इसमें, तो ये दोनों मैच कर जा रहा है ना, इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट, फिर इसका अपर इसका लोअर, इसका अपर इसका लोअर, इसका अपर इसका लोअर मैच कर जा रहा है, तो इसके बीच में बार्स के बीच में कोई इंटरवल नहीं रहेगा, बार्स क्लोज्ड बार्स होगा, ठीक है, मतलब दोनों बार्स सटा रहेगा, इजी है, ये समझ में आ गया ना बात, इस तरह क्यों लिखेंगे। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, इसी तरह से हाइट फ्रीक्वेंसी ये तो बता ही दिया, और हाइट जो रहेगा उसको फ्रीक्वेंसी, हाइट जो रहेगा उसको फ्रीक्वेंसी, हाइट मतलब फ्रीक्वेंसी किसको, हाइट मतलब एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस ना, जो वर्टिकली रहेगा ना उसको वाई एक्सिस इसको फ्रीक्वेंसी लेंगे, और एक्स एक्सिस वाले को क्लास इंटरवल लेते हैं। कुछ ऐसे डायग्राम होंगे जहाँ पे जैसे कि क्वेश्चंस पूछा जाएगा, जैसे इंटरवल्स मैंने क्या लिया था इसमें, पिछले वा इंटरवल में लिया था, पिछला इंटरवल क्या था, 0 to 10, मतलब ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल चेक करेंगे, क्लास इंटरवल क्या होता है, 0 से स्टार्ट नहीं हो करके 20 to 25 हो गया है, क्लास इंटरवल 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, नहीं क्लास इंटरवल क्या हो गया है, 20 to 25, और फिर क्या 25 to 30 और 30 to 35, इस तरह से क्लास इंटरवल बना है, तो क्लास इंटरवल में 0 तो आ नहीं रहा है, तो 0 रहता तो वाई एक्सिस से वो सटा हुआ रहता, मतलब ओरिजिन से स्टार्ट होता, ओरिजिन से स्टार्ट होता, तो क्या करते हैं ना, ओरिजिन से स्टार्ट करना है, डायरेक्ट 20 से स्टार्ट करना है, तो हम लोग यहाँ पे एक जिगजैग लाइन का यूज़ करते हैं, जिसको बोलते हैं ब्रोकन लाइन, जिसको क्या कहते हैं ब्रोकन लाइन, लिखा भी यहाँ पे, जिसको बोलेंगे हम लोग ब्रोकन लाइन, ये है रहा ब्रोकन लाइन, तो ब्रोकन लाइन का क्या यूज़ है ना, मतलब ये 0 से 20 के गैप को दिखाता है, शो करता है वो, मतलब कि 20 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा नहीं कि 20 तक हम डिस्टेंस, 0 यहाँ से फिर 10 यहाँ से 20, 10 अगर 5 का होगा 0 5 फिर 10 15 20 यहाँ से स्टार्ट करने, नहीं वो ब्रोकन लाइन जो है ना इसके बीच के गैप को दिखाता है, 0 और 25 के बीच के गैप को दिखाता है, इजी था, यहाँ लिखा भी हुआ है जस्ट ब्रोकन लाइन हैज़ बीन यूज टू अलॉन्ग द ओरिजेंटल लाइन टू इंडिकेट दैट वी आर नॉट शोइंग द नंबर्स बिटवीन 0 to 20, इजी था ना, इस तरह से आपका जो इंट्रोडक्शन था बार ग्राफ्स का, बार ग्राफ का चैप्टर वो चैप्टर डाटा हैंडलिंग का फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, क्योंकि इसे बोर्ड पे बनाना थोड़ा पॉसिबल नहीं था, इसलिए मैंने इस एप्लीकेशन का यूज़ करके वीडियो समझाने की कोशिश भी किया, और कुछ आई होप आप लोगों को सारी चीज़ समझ में आया होगा, फिर भी अगर नहीं समझ में आया होगा तो फिर हम लोग लाइव क्लास में देखेंगे, लाइव क्लास में समझेंगे इसी चीज़ को, ठीक है, जब तक नहीं समझ में आएगा तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, आप लोग बने रहिएगा, ओके मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, अब इसे कैसे ख़त्म करना है।